बिहार के छपरा में लोकसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव और संजीव प्रताप रूड़ी की लड़ाई शुरू से ही चर्चा का विषय रही है। दोनों दिग्गज नेताओं के चुनावी संघर्ष की कहानी मीडिया में दिलचस्प के साथ दिखाई जाती है, लेकिन दौर बदल गया है और अब लालू प्रसाद चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है, लिहाजा उनकी बेटी रोहिणी आचार्य इस बार सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है और इनके लिए लालू प्रसाद यादव छपरा में कैंप कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के कैंप करने का फायदा ये दिख रहा है कि ऐसे वर्ग भी समर्थन में खड़े हो रहे हैं जिनको भाजपा अपना वोट बैंक समझती आ रही है। दरअसल शुक्रवार की रात दलदली बाजार के एक विवाह भवन में वैश्य समाज ने रोहिणी आचार्य के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में वैश्य समाज के लोग शामिल हुए। इन लोगों ने रोहिणी आचार्य का चांदी के मुकुट से स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि वैश्य समाज के लोग आरजेडी से क्यों दूर हो गए थे, जबकि आरजेडी ने शुरू से ही वैश्य समाज का समर्थन किया है और इस बार भी चुनाव में वैश्य को भागीदारी दी गई है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि आज वैश्य समाज पूरे देश में परेशान है और तरह तरह के टैक्स से बीजेपी ने वैश्य समुदाय की कमर तोड़ दी है। अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो टैक्स के बोझ से वैश्य समाज को मुक्त किया जाएगा और पूरी सुरक्षा दी जाएगी। भाजपा छोड़कर आरजेडी में आए वीरेंद्र शाह मुखिया ने बताया कि वोट बैंक के नाम पर भाजपा ने व्यवसायियों को ठगने का काम किया और सत्ता में उचित भागीदारी नहीं दी। जो भी वैश्य के नेता थे उन्हें धीरे धीरे किनारे कर दिया गया, जिसके कारण छपरा के व्यवसायी नाराज हैं और आरजेडी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। समारोह को कई बड़े नेताओं ने भी संबोधित किया। उधर बीजेपी के जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि ऐसी सभाओं से सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम करती है और व्यावसायिक वर्ग बीजेपी के साथ खड़ी है। कुछ लोग वैश्य समाज का मुखिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैश्य समाज वैसे लोगों को पहचानता है और समय आने पर मकूल जवाब देगा। उन्होंने कहा कि राजीव प्रताप रूड़ी जीत की हैट्रिक बनाते दिख रहे हैं, जिसके कारण राजद के लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं।